हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 11 में अनिवार्य हिंदी पुस्तक आरोह का लेसन नंबर 3 अप्पू के साथ 2.5 साल, इस लेसन को हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार लेखक सत्यजीत राय को अपनी पहली फिल्म पथेर पंचाली के लिए विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कभी वित्तीय संकट, तो कभी कोई प्राकृतिक आपदा, तो कभी किसी पात्र का निधन हो जाना और उसकी जगह उसी से मिलता जुलता कोई दूसरा अभिनयकार या कलाकार ढूंढना, तो इस प्रकार की बहुत सारी परिस्थितियों का, बहुत सारी मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ा। तो इसको हम पढ़ा था और जिस गांव में उन्होंने ये शूटिंग की थी तो उस गांव में भी उन्हें बहुत बार जाना भी पड़ा था और बहुत बार वहां रहना भी पड़ा, इसलिए वहां से के लोगों से लेखक का परिचय हो गया था, यानी कि वह लगभग गांव वालों को जानने लगे थे। उन लोगों में एक बहुत ही अद्भुत सज्जन थे, अद्भुत यानी कि कोई विशेष व्यक्ति था। सज्जन का मतलब होता है सच्चा पुरुष, सत प्लस जन। उन्हें हम सुबोधदा कहकर पुकारते थे और वे आयु में 60-65 साल के थे। उनका माथा गंजा था, वे एक झोंपड़े में रहते थे और दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे, यानी कि अपने आप से ही वो बातें करते रहते थे वे। और हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, यानी कि कुछ फिल्मांकन करने वाले हैं उस गांव के अंदर, तो यह जानकर वे गुस्सा हो गए। हमें देखने पर वे चिल्लाते, फिल्म वाले आए हैं, यहाँ तक हमने इस लेसन को पढ़ा था। तो उनको बहुत गुस्सा आता था कि ये फिल्म वाले अगर वो अपने गांव में आए हैं तो ये बड़े बेकार होते हैं, इनको मारो और इनको अपने गांव से भगाओ। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक पढ़ा था, हमें देखने पर वो चिल्लाते क्या कहते, फिल्म वाले आए हैं, क्या है, फिल्म वाले आए हैं, मारो उनको लाठियों से, उनको लाठियों से मारो, अर्थात अपने गांव से इनको क्या कर दो, भगा दो। पूछताछ पर, यानी कि पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि वह जो व्यक्ति था वो मानसिक रूप से कैसा था, बीमार था, यानी कि वो दिमाग, उसकी जो दिमागी हालत थी वो अच्छी नहीं थी, अर्थात वो मानसिक रूप से बीमार था और यानी कि उसको पागल या विक्षिप्त भी हम कह सकते हैं, भी थोड़ा मानसिक रूप से बीमार था। बाद में उसी व्यक्ति के साथ, यानी कि सुबोधदा के साथ से हमारा अच्छा परिचय हुआ और बाद में धीरे धीरे हमारा उनके साथ, सुबोधदा के साथ अच्छा परिचय हुआ, अर्थात जानकारी हो गई हमारी। वे हमें अपने पास बुलाते, यानी कि वे हमें अपने पास बुलाकर दरवाजे में बैठकर वायलिन यानी कि सारंगी पर, सारंगी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो दरवाजे में बैठकर वायलिन पर जो लोकगीत हैं, लोक में प्रचलित जो गीत हैं उनकी धुने बजाकर सुनाते थे। तो वायलिन थी उनके पास, तो वो वायलिन के माध्यम से जो अच्छे अच्छे लोकगीत थे उनकी धुने बजाकर, उनकी राग वगैरह निकालकर वो हमें क्या करते थे, दिखाते थे भी, अर्थात हमें वो अच्छे अच्छे लोकगीतों की धुने सुनाते। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते और बीच ही बीच में कोई व्यक्ति अगर इधर उधर से गुजरता
तो हमारे कानों में फुसफुसाते अर्थात हमारे कान में कोई ना कोई बात कहते। और क्या कहते भाई, वो साइकिल पे जा रहा आदमी, वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हो ना, वह कौन है जानते हो? यानी कि थोड़े विक्षिप्त थे, पागल थे, मानसिक रूप से बीमार थे, तो वो हमारे विभिन्न प्रकार की लोकगीतों की धुनें वायलिन के माध्यम से हमें सुनाते और बीच बीच में हमें कभी कभी हमारे कानों में कोई बात कहते अर्थात फुसफुसाते। वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हो ना, कोई आदमी साइकिल पे जा रहा था तो उसके लिए वो हमें कह रहे थे कि वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हो ना, वह कौन है जानते हो? वह कौन है, क्या आप उसे जानते हो? यह वह है रूजवेल्ट। वह कौन है? रूजवेल्ट। तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। रूजवेल्ट कौन था? पक्का पाजी, उनके मत से। दूसरा एक था चर्चिल, एक था हिटलर, तो एक था अब्दुल गफार खान। सभी उनके अनुसार, मतानुसार पाजी थे, यानी कि उनके वो क्या थे, दुश्मन थे, उनके विरोधी थे। तो ऐसी उसकी मानसिकता थी, यानी कि किसी आम आदमी की वो साइकिल पे ज़्यादा देख लेता तो उनको वो रूजवेल्ट, चर्चिल, हिटलर और अब्दुल गफार खान आदि के नाम से जान उनको संबोधित करता और उनको कहता कि ये पाजी हैं, मूर्ख आदमी हैं, बेकार आदमी हैं और उनके क्या हैं, दुश्मन हैं, शत्रु हैं। हम जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। धोबी जो कपड़े वगैरह धोने का काम करता है, उनको ड्राई क्लीन वगैरह करने का काम करता है। तो जिस घर में हम शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था, उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी, हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता था। वह भी थोड़ा सा पागल था, वह धोबी भी था, वह भी थोड़ा पागल था, विक्षिप्त था, यानी कि मानसिक रूप से वो भी थोड़ा बीमार था। वह भी थोड़ा सा पागल था और कभी भी भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर या किसी सरकारी मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता था। और वह भी भाइयों और बहनों ऐसे प्रकार से कहकर किसी मुद्दे पे क्या करता था, अपना लंबा सारा भाषण शुरू कर देता था। फुर्सत के समय में, यानी कि खाली वक्त में, उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी। यानी कि जब अगर कोई खाली समय होता था, हम फ्री होते थे, हम शूटिंग नहीं कर रहे होते थे, तो उस समय हमें उसके भाषण से कोई एतराज़ नहीं था, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन अगर शूटिंग के समय अगर था, यानी कि हम शूटिंग कर रहे थे और उसका भाषण शुरू होता था, तो बड़ा कष्टदायक होता था। इसलिए कह रहे हैं, लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। जो हमारा साउंड था, जो हमारे जो ध्वनि के लिए जो यंत्र लगाए गए थे, वो काम प्रभावित हो सकता था। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद नहीं की होती, अगर उस धोबी का कोई एक रिश्तेदार था, उन्होंने अगर हमारी मदद नहीं की होती, तो वह धोबी सचमुच ही एक सिरदर्द बन जाता। सिरदर्द बनने का मतलब है क्या कि एक मुसीबत बन जाता, बहुत सारी कठिनाइयां वो हमारे सामने पेश करता। तो उससे पहले हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ने से पहले, ये रूजवेल्ट, चर्चिल, हिटलर और अब्दुल गफार कौन थे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला, उस सुबोधदा जो थोड़ा मानसिक रूप से बीमार था, रूजवेल्ट के बारे में बात करता था, चर्चिल और हिटलर, उसके साथ साथ अब्दुल गफार खान के साथ भी, अब्दुल गफार खान का नाम भी लिया करता था। तो इनके बारे में आपको बता देते हैं। रूजवेल्ट
1882 से 1945 तक पूरा नाम था इनका फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट, अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे भी 1933 से 1945 तक, अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति 1933 से 1945 तक। इन्हें FDR भी कहा जाता था, FDR भी कहा जाता था, यानी कि इनका शॉर्ट नाम फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट। इन्हीं के कार्यकाल में एटम बम के मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था, इसलिए सुबोधा इनको शत्रु कहता था। दूसरा है चर्चिल, 1874 से 1965। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था और 1953 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और तीसरा है हिटलर, जिस नाम से सभी परिचित हैं, भी जर्मनी का चांसलर था, तानाशाह था एक ये। 1889 से 1945 जर्मनी के तानाशाह चांसलर, 1933 से 1945 तक तथा नाजी पार्टी के लीडर थे भी। ये नाजी पार्टी थी कोई और उसका मुख्य था, जर्मनी का शासक था, एक तानाशाह शासक था भी ये। और चौथा है अब्दुल गफार खान, जो 1890 से 1988 ये पख्तूनों यानी कि अफगान, ये पख्तूनों यानी अफगान के नेता थे और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के खिलाफ थे। और ये भारत और जो पाकिस्तान का विभाजन हुआ था इसके बड़े ही खिलाफ थे, जिसके कारण इन्हें अपना अंतिम समय पाकिस्तान की जेल में गुजारना पड़ा। और जिसके कारण, किसके कारण, यानी कि जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो इस चीज़ के ये क्या थे, खिलाफ थे। कौन? अब्दुल गफार खान। और इन्होंने अंतिम समय पाकिस्तान की जेल में ही गुजारा और इसलिए इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पांच व्यक्ति थे। तो वापस अपने लेसन की ओर चलते हैं। तो वो धोबी वाली बात पड़ी थी कि अगर धोबी के रिश्तेदारों ने, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, पागल था, अगर उसके रिश्तेदारों ने हमारी हेल्प नहीं की होती, सहायता नहीं की होती, मदद नहीं की होती, तो सचमुच ही वह धोबी हमारे लिए क्या बन जाता, एक मुसीबत बन जाता, अर्थात एक सिरदर्द बन जाता। आगे है जिस घर में हम पथेर पंचाली की शूटिंग करते थे, वह घर हमें एकदम ध्वस्त यानी कि बिल्कुल टूटी फूटी अवस्था में, बिल्कुल खंडहर के रूप में, बिल्कुल ही एक खंडहर के रूप में मिला था, यानी कि बहुत ही टूटी फूटी अवस्था में हमें वो घर मिला था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे, उसका जो मालिक था वो कलकत्ता में रहता था। उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था, भाड़े पर अर्थात किराए पर लिया था। उस घर की मरम्मत करके यानी कि रिपेयर करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग एक महीना लगा, यानी कि जो घर हमें शूटिंग के लिए ले रखा था वो बड़ा ही हमें टूटी फूटी अवस्था में मिला था, जीर्ण शीर्ण अवस्था में यानी कि ध्वस्त अवस्था में मिला। और उसका जो घर का मालिक था वो कलकत्ता में रहता था और उनसे हमने यह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर यानी कि किराए पर ले लिया था। और उस घर की मरम्मत करने के लिए ही हमें और शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में भी उसमें एक महीना लगभग हमारा बीत गया था। आगे है, उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे, वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए, यानी कि उस घर में
के हिस्से में एक के पास एक कुछ कमरे ऐसे थे, वे हमने फिल्म में नहीं दिखाया, यानी कि उनको हमने फिल्म में नहीं दर्शाया है। उन कमरों में हम अपना शूटिंग से संबंधित जो सामान थे वो रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट, यानी कि जो साउंड को रिकॉर्ड करने वाले थे भूपेन बाबू, जो आवाज़ को रिकॉर्ड करते थे उसमें थे वो भूपेन बाबू, वो एक कमरे में बैठा करते थे, यानी कि एक कमरे में वो रहा करते थे। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, यानी कि शूटिंग के दौरान हम उनको नहीं देख सकते थे। फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे, फिर भी हम उनकी आवाज़ को बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही साफ तरीके से सुन सकते थे। हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते, यानी कि हर एक जो फिल्म का दृश्य है कैमरे में जब कैद किया जाता तो हम उससे ज़रूर पूछते कि साउंड ठीक है ना, तो भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना में जवाब देते, और हम प्रत्येक शॉट के बाद हम उनसे पूछते कि साउंड अर्थात जो ध्वनि है, जो आवाज़ है वो ठीक है ना, तो भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना में क्या करते जवाब देते भी हैं। आगे है, एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया। एक दिन शॉट के बाद, यानी कि एक दृश्य के को लेने के बाद, उस दृश्य को फिल्माने के बाद, साउंड के बारे में, यानी कि उस आवाज़ के बारे में, उस ध्वनि के बारे में हमने भूपेन बाबू से एक सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। लेकिन अब उनका कोई भी जवाब नहीं आया, और फिर एक बार फिर पूछा हमने, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना, और फिर दोबारा फिर हमने पूछा कि भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना, यानी कि जो ध्वनि है, जो आवाज़ है वो ठीक है ना। इस पर भी जवाब नहीं आने पर, और इस पर भी कोई जवाब नहीं आया, और जवाब नहीं आने पे मैं उनके कमरे में गया। जब दोबारा पूछने पर भी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो मैं उनके कमरे में गया। जब दोबारा भी कोई आवाज़ नहीं आई, कोई उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो मैं उनके कमरे में गया, तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था। और मैंने क्या देखा, जब दूसरी बार भी कोई जवाब नहीं आया तो मैंने सोचा कोई ना कोई अवश्य बात होगी, इसलिए मैं जब उनके कमरे में गया और देखा तो क्या देखा कि एक बहुत बड़ा सा सांप उस कमरे की कमरे में क्या थी, खिड़की लगी हुई थी, उस खिड़की से वो नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए, यानी कि थोड़े डर गए थे, यानी कि हमारे लिए वो चीज़ भी नहीं थी, और सांप वैसे ही एक ऐसी प्रजाति है जिससे आम व्यक्ति बहुत जल्दी डर जाता है। तो उस सांप को देखकर भूपेन बाबू अचानक से सहम से गए, अर्थात डर से गए, और उनकी बोलती बंद हो गई, अर्थात उनकी जो आवाज़ थी वो बंद हो गई, अर्थात घबराहट की वजह से, डर की वजह से, उस सांप के डर की वजह से ही उनकी जो बोलती थी, उनकी जो आवाज़ थी वो क्या हो गई भाई, बिल्कुल बंद सी हो गई, अर्थात वे बड़े ही साइलेंट हो गए। वह सांप हमने वहाँ आने पर कुछ ही दिनों के बाद देखा था, और वह सांप हमने वहाँ आने पे, जब हम शूटिंग के लिए आए थे तो कुछ दिनों के पश्चात ही हमने उस सांप को देखा था, यानी कि देख लिया था। उसे
मार डालने की इच्छा होने भी और हमारी इच्छा भी हुई कि क्या करें, उसको मार दिया जाए, उसको मारा जाए। परंतु मारने की इच्छा होने पर भी जो स्थानीय लोग थे, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने मना कर दिया। मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके। वह वास्तु सर्प था, यानी कि उनके लिए शुभ था और बहुत ही दिनों से वह वहाँ रह रहा था। वह सांप बहुत ही दिनों से वहाँ पे रह रहा था। तो ये था जी आपका लेसन, किस प्रकार से लेखक को इस फिल्म की शूटिंग के दौरान विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ा, और इसका बहुत ही अच्छे तरीके से उसने वर्णन किया है अप्पू के साथ 2.5 साल। तो इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं वो आप अपने आप कर लेना। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।